इस हीरोइक वाले बंदे को बहुत बुरी तरह से मारने वाला। तेरी तो कहाँ है भाई, तेरी तो ले बेटा अभी पिटा नहीं यार ये। मतलब भाई भाई इसके हाथ में भाई M1887 है, लेकिन भाई इसको हेडशॉट ही मारूंगा नहीं तो मेरे ही। तो यू गाइस इसमें स्पा है ना, तो गाइस आज अपन कर रहे हैं भाई नूब चैलेंज। मतलब भाई आज अपन रैंक गेम ले रहे हैं भाई क्लास स्क्वाड में, और यहाँ पर भाई अपन एडम करेक्टर लेके खेलने वाले हैं। तो भाई लोग क्या अपन कर पाएंगे यार सही से एडम करेक्टर लेके, क्या अपन विन कर पाएंगे भी क्लास स्क्वाड को? नहीं क्योंकि भाई कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था भाई मेरे पास भाई हीरोइक लेवल के बंदे आ रहे थे भाई, और बहुत ही खतरनाक प्रो प्लेयर आ रहे थे भाई, जिनको भाई निपटना मतलब मेरे लिए नामुमकिन सा हो जा रहा था भाई। तो मैंने सोचा भाई क्या अपन भाई एडम करेक्टर लेके खेल पाएंगे सही से और विन कर पाएंगे भाई मैच। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई, मैं बार बार हार रहा था भाई। तो मैंने सोचा भाई एडम करेक्टर लेके खेलते हैं, यहाँ पर भाई अपन को अच्छा खासा एक टफ चैलेंज हो जाएगा। तो भाई देखो एडम करेक्टर हो या कोई भी करेक्टर हो, देखो जब फर्स्ट आप मैच खेलते हो किसी भी क्लास स्क्वाड का, तो आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना होता है। देखो अक्सर हम हड़बड़ी करने के चक्कर में भी बंदों के सामने आ जाता है और वो घेर के मार देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, आराम आराम से खेलना है। जैसे अपन ने ये बंदे को मारा भाई, डैमेज दिया, थोड़ा सा घुमा भाई, फिर डैमेज दिया भाई, ये नॉक हो गया। अब भाई देखो थोड़ा सा घुमा, और यहाँ पर देखो भाई सामने वो बंदा है, उसको मैं मारने के चक्कर में भाई देखो मार रहा हूँ, और मारने के चक्कर में मुझको बहुत भारी डैमेज पड़ा। तो भाई मैं बंदे को मारना वारना सब छोड़ दिया भाई, मेडिकेट किया भाई पहले। अब भाई यहाँ से मैं भगा, अब उस बंदे को मारने गया भाई, और वहाँ बंदे को मारा, और भाई उसने कोरोना लगा दिया भाई। अब देखो भाई मेरा दिमाग मतलब ख़राब हो गया भाई, क्योंकि कोरोना लगाया तो भाई उसके पास ही जाके उसको मारूंगा भाई। कहाँ है भाई वो बंदा? ये बेटा नॉक, और ये बंदा भाई ये मुक्का भाई मुक्काबाजी करने की कोशिश कर रहा है भाई ये। लेकिन उससे पहले अपन मेडिकेट करेंगे, क्योंकि भाई अपन के पास भाई मुक्का वाला एबिलिटी नहीं है यार, जो यानी कि वो क्लास करेक्टर के पास रहता है भाई, इसलिए तो अपन यूज नहीं करेंगे। लेकिन उसको भाई दौड़ा दौड़ा के ख़त्म करेंगे भाई। तो देखो भाई यहाँ पर आपको बस ये करना है कि भाई आपको ना सामने वाले को डैमेज देना और खुद को भाई डैमेज से बचाना है। तो भाई ऐसे में आप हर मैच को विन कर सकते हो भाई। अक्सर अपन क्या होता है बंदों को मारते जाते हैं इसलिए पिटते हैं भाई। तो भाई वैसे अपन भाई ग्लू वाल लेते हैं, ग्लू वाल का जरूरत पड़ता है यार कभी कभी, तो ग्लू वाल ले लेते हैं भाई अपन। तो ग्लू वाल ले लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर चलते हैं भाई, भाई इधर चलेंगे अपन, इधर ही चलेंगे यार। अपन के पास तो डिजर्ट एंगल गन है भाई, तो यहाँ पर बंदे को गोली चलाया भाई, और ये ओ भाई इतना ज़्यादा डैमेज भाई, इतना ज़्यादा डैमेज कैसे आ रहा है भाई? एडम ही इसलिए क्या हो सकता है भाई, मेरे को नहीं पता यार। लेकिन भाई क्या आपको लगता है भाई इतना ज़्यादा डैमेज आ रहा है भाई, और मेरे पास मेडिकेट भी नहीं है। अब भाई मतलब अब फिर इनको मारना ही पड़ेगा यार, सबक सिखाना पड़ेगा यार, क्योंकि अपन के पास एडम हो या कुछ भी हो, हम भाई मतलब होना ये चाहिए भाई कि आपका कैरेक्टर पे आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए यार। आपके पास जो खुद की एबिलिटी है ना भाई, कैरेक्टर की नहीं खुद की एबिलिटी, जो आपके खेलने की जो आपकी गेम प्ले की एबिलिटी ना, वो बेस्ट होना चाहिए यार। फिर आप कोई भी कैरेक्टर लेके भाई आप सही से खेल सकते हो, इसके लिए भाई आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती भाई। तो भाई देखो प्रो प्लेयर के बंदे भाई ज़्यादातर बंदे वो भी ऐसे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते यार, वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर अपन मेडिकेट कर लेते हैं। अब भाई मेरे सारे फ्रेंड भाई पिट चुके हैं भाई, भाई भाई कितने बंदे बचे यार मेरे को नहीं पता यार, दो बंदे बचे शायद तक, दो बंदे बचे, और हीरोइक वाला लेवल का बंदा बचा है शायद यार, पता नहीं यार कौन बचा है मेरे को। भाई मेरे सारे फ्रेंड पिट चुके हैं, और भाई तो क्या अपन भाई हीरोइक वाले बंदे को मार पाएंगे? और ये भी बंदा आगे सामने, और ये मारा मारा, ओ भाई साहब हेडशॉट, अरे भाई साहब हेडशॉट पड़ा यार सीधा वो भाई। तो यहाँ पर भाई MP14 लिया है हमने, और भाई अपन को सिंपल सा गन है, तो यहाँ पर ग्लू वॉल 3 है भाई, तो दिक्कत की बात नहीं है, ग्लू वॉल का यूज कर लेंगे अपन जब जरूरत पड़ेगा तब। फिलहाल अपन इधर उधर दौड़ते हैं, ये भाई स्टार्ट हो चुका है, तो भाई चलते हैं यहाँ पर दौड़ के तेज़ी से। और भाई यहाँ पर भाई बंदे यहाँ पर कहाँ भी बंदे, नहीं यार बंदा नहीं दिख रहा है, इधर आसपास भी बंदे नहीं दिख रहे हैं। ये चिमकांडी लोग गए क्या यार जमाइला, ये चिमकांडी लोग गए कहाँ? यहाँ पर इधर बंदे गए, ओ भाई ग्रेनाइट 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 भाई भाई, क्यों ये बंदा भाई, ये भाई ये बंदा भाई बदला लेना है, भागो। गजब बेइज्जती है भाई साहब, ओ भाई साहब इतना जल्दी नॉक कर दिया भाई मेरे को, भाई रिवाइव दे दो भाई भाई, ओ भाई डिफीट भैया, मैं पीटा मतलब सब पीटे भाई, ऐसा मेरे को लगता है भाई, क्योंकि अपना टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी यहाँ पर भाई उछलते हुए सामने वाला बंदा, तो भाई राउंड 4 आ गया है भाई, तो क्या अपन भाई मेरे को ऐसे डाउट हो रहा है भाई मैच जीत पाएंगे क्यों नहीं, लेकिन अपन विन कर लेंगे यार ऐसा मेरे को लगता है, अब पता नहीं देखते भाई। वैसे भाई हम मेरे माइंड में ना भाई जैसे ही भाई मैं हार रहा था ना बार बार, तो भाई याद आया, वैसे भाई मैंने इससे पहले भाई नहीं खेला, मतलब बहुत पहले मैं खेला था यार एडम को। यहाँ पर अपना फ्रेंड पिट चुका है भाई, उसको मेडिकिट दे देते हैं यानी रिवाइव दे देते हैं।
तो भाई यहाँ पर ना मैं बहुत पहले खेला हुआ था यार एडम करेक्टर, लेकिन ना रैंक पे उतरता था, लेकिन होता है यार ये था भाई बहुत ही बुरी तरह पिटता था और भाई और हार जाता था, इसलिए मैं नहीं लेके खेल रहा था। और यहाँ पर भाई पिट गया, अरे भाई कैसा मारा भाई इतना जल्दी पिट गया भाई, एक ही डैमेज, मतलब इतना ज़्यादा हेल्थ है भाई फिर भी पिट गया, ये कैसे हो सकता है भाई, पूरी तरह से गया भाई। चलो कोई नहीं, यहाँ पर भाई केक करेक्टर को लेकर एक बंदा खेल रहा भाई, इसका नाम बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो मैं पढ़ नहीं सकता यार, कि जो भी लिखा है भाई आप देखो भाई आपको समझ आ रहा होगा तो भाई पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भाई अपन फिर पिट चुके हैं भाई, अब वुड पिकर गन लेंगे यार, वुड पिकर क्योंकि सही गन होता है। तो भाई इसका ना वुड पिकर का एक भाई आपकी आपको बताऊं भाई, वुड पिकर में हेडशॉट पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो भाई देखो एक बात है, जितने गन जो रुक रुक के चलते हैं ना भाई, स्नाइपर वाले जितने गन होते हैं जो रुक रुक के चलते हैं, यहाँ पर अपना फ्रेंड पीट चुका है भाई, जो रुक रुक के चलते हैं ना यहाँ पर ग्लू वाल कर देते हैं, तो भाई उसको अपना हेडशॉट मारने के लिए यूज कर सकते हो यार, जितने भी गन होते हैं और भाई लगातार चलते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हो यार, लेकिन यहाँ पर भाई रुक रुक के चलने वाला गन ज़्यादा बेटर होता है, जैसे कि ये वुड पिकर। तो भाई वहाँ पर जाएंगे और भाई जैसे देखा आपने कि मैंने ग्लू वॉल का यूज़ किया, तो देखो भाई आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लू वॉल का यूज़ करना सीखना है, क्योंकि अपने कुछ फ्रेंड है भाई जिनको ग्लू वॉल का यूज़ करना नहीं आता, तो भाई आप ट्रेनिंग मोड में जाके भाई ग्लू वॉल स्कूल का यूज़ कर सकते हो भाई, वहाँ पर जाके खेल सकते हो। अगर आपके पास कस्टम कार्ड है तो भाई आप कस्टम खेलो भाई और ग्लू वॉल का यूज़ सीखो भाई, क्योंकि आपको प्रो प्लेयर बनाने में भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने देखो भाई किस तरह से अपने आपको ढक लिया जैसे उसको डैमेज मिला, तो भाई वैसे आप वही कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर मैं चलता हूँ, मैं भी वैसे कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन छोटे मोटे ट्रिक का यूज करता हूँ भाई मैं, जैसे कि यहाँ पर पिट चुका हूँ लेकिन विक्ट्री हो चुकी है, और यहाँ पर बंदे को मैं नॉक कर दिया भाई, बंदे को मारने के चक्कर में नॉक कर दिया, और यहाँ पर भाई उसको पूरी खत्म कर देते हैं, यहाँ पर भाई किल हो चुका, और यहाँ पर मेरे बंदे को गोली चला भाई, ओ भाई मेरे फ्रेंड को पिट गया भाई मेरे एक फ्रेंड भाई। तो मैं चलता हूँ भाई, अब बहुत छिपूंगा नहीं यार, मैं अब सामने से जाके मारूंगा, मतलब बहुत हो गया यार इन लोग, मतलब मुझको हल्के में ले रहे हैं। अब भाई देखो मैं यहाँ पर भाई मैं MP14 से देखो यहाँ पर मेरा फ्रेंड कहाँ है भाई गोलू, उसको मैं भाई बचाने के लिए आया था, लेकिन अब भाई हीरोइक वाले बंदे को बहुत बुरी तरह से मारने वाला, तेरी तो कहाँ है भाई तेरी तो ले बेटा, अभी पिटा नहीं यार ये, मतलब भाई भाई इसके हाथ में भाई M1887 है, लेकिन भाई इसको हेडशॉट ही मारूंगा, नहीं तो मेरा ही पूछा गया था X2/YZ। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, नाम बदल देना भाई। ओ भाई साहब यहाँ पर बुआ हो चुका है भाई, तो फाइनली अपन ने बुआ कर लिया है भाई, और चैलेंज भी नुक चैलेंज कंप्लीट कर लिया भाई। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया तो भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मेरे वीडियोस भाई आप नए नए आते रहेंगे तो आप देखते रहेंगे, और भाई कम से कम भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप में या दो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड लोग को शेयर करो भाई, ताकि उन लोग भी गेम प्ले का मजा ले सके। तो बाय फ्रेंड।